प्लीज कम जी। देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है, हेमरेज है, आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2,00,000 रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके, नर्स डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बना दीजिए। बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन, ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए ड्रामा शुरू कर दो। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का? हाँ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना। आएंगे मुंह लटका के, बोलेंगे आई एम सॉरी, द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। एक्सक्यूज मी जी, डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे इलाज करेंगे, वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता क्या? ऑब्वियसली, कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है। पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैं पागल हूँ? ये देखिए, पढ़िए इसे, क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। स्कूल हॉस्पिटल, डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM, पेशेंट्स नेम रामनाथपुर। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? तुम लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हो ना, तो मैं क्या फोटोकॉपी नहीं निकाल सकता? कितनी चाहिए बोलो। क्या हुआ, सांसें रुक गई? स्पेशलिस्ट बुलाऊं? ये आपका बिल है, आप और 3,00,000 रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। यह बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लोग 50,00,000 का चेक शांति नागपाल के नाम का नहीं बना दोगे। What? चलिए आप लोगों का नाटक खत्म हो गया, बुलाएं अपने बॉस को। कमऑन, बॉस को बुलाएं। कमऑन, आउट आउट आउट। गुड शॉट, खरीद लो उसे, इतने पैसे मांग रहा है। सर वो थोड़ा सनकी है सर, कोई नहीं जानता है उसे, बार बार यही कह रहा है कि अपने MD से मिलाओ, पैसे की बात उन्हीं से करूंगा। हेलो डैड, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं दुबई से आऊं? बड़े कब होगे तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद ही सॉल्व करो। बुलाओ उसे। तो इन सारे एविडेंसेस के तुम्हें 50,00,000 चाहिए। 50,00,000 चेक शांति नागपाल के नाम, वाइफ ऑफ लेट बलराम नागपाल, 4,60,475 रुपए
जो मैंने खर्च किया कैश। हड्डियां तोड़ने में वो मजा नहीं जो तेरी अकड़ तोड़ने में है। साले सीधी तरह पैसा दे वरना चाबी वाला ताला नहीं सील वाला ताला लगाऊंगा। सर ये 50 लाख का चेक और बाकी का कैश। ये लीजिए आपके पति के इंश्योरेंस का चेक। जानता हूं कि इन पैसों से जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती लेकिन तकलीफें आसान जरूर हो जाती हैं थोड़ी बहुत। रख लीजिए। शुक्रिया। जो मेरे पति जीते जी नहीं कर पाए वो उन्होंने मरने के बाद कर दिया। आप लोग डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करना आपका धर्म है ना कि उन लोगों को लूटना। Shame on you. I'm sorry. I just hate sorries.